नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रेमेटर्स बॉट में। और हमारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही शानदार तरीके के बारे में, जिसकी मदद से आप अपना फ्री का, बिना होस्टिंग के, आप अपना फीडबैक बॉट या फिर चैट बॉट बना सकते हैं। जैसे कि आपने मेरे को कभी टेलीग्राम पे कांटेक्ट किया है तो आपने देखा होगा कि मैंने टेलीग्राम पे यहाँ पे एक अपना चैट बॉट बनाया हुआ है, जिसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई कर सकता हूँ। आप यहाँ पे चैट देख सकते हैं कि मैं अपने सारे यूजर से सिर्फ एक इसी बॉट के थ्रू बात करता हूँ सारे यूजर से। इसी तरह का बॉट आप अपने लिए खुद का कैसा बना सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं यहाँ पे एक सैंपल बॉट ले लेता हूँ। चलो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि ये बॉट किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले, जैसे अब मैं अपने क्या करूँगा, मैं यहाँ पे दूसरी आईडी से अपने इस बॉट को मैसेज करूँगा। तो ये मेरा बॉट का लिंक, मैं इसे यहाँ पे ओपन करूँगा। तो मैं यहाँ पे बॉट पे आ चुका हूँ। मैंने देखो, आप यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन सेट किया हुआ है बॉट का, और मैंने यहाँ पे अबाउट भी सेट किया हुआ है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन, अबाउट वगैरह सेट करना नहीं आता तो इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियोस बनाई हुई है, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। उन वीडियोस का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैं इस बॉट को जैसे यहाँ पे स्टार्ट करूंगा तो देखो मेरे को यहाँ पे एक स्टार्ट मैसेज आएगा, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है और बहुत ही सिंपल है, जिसके अंदर मैंने डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है यूज़र को उसकी मदद के लिए। अब क्या होगा, अब देखो मैंने यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन भी यहाँ पे लगाया हुआ है, जहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल है। इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कि आप इस तरह का बटन किस तरह से लगा सकते हैं अपने हर टेलीग्राम बॉट के अंदर, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे कोई भी हाई मैसेज भेजता हूँ, मैंने हाई मैसेज भेजा, अब ये जो मैसेज है मेरे पास आ गया होगा बॉट में। मैं देखो अभी यहाँ पे चेक करूँगा, देखो मेरे को यहाँ पे हाई मैसेज आ चुका है और मेरे को यूज़र का फॉरवर्ड टैग भी यहाँ पे मिल गया है, जिसके थ्रू मैं उसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकता हूँ। और अगर उसकी आई डी हिडन है तो मैं उससे उसका यूज़र नेम पूछ कर उससे बात कर सकता हूँ। अगर अब मैं यहाँ पे इसका रिप्लाई करूँगा तो ये मैसेज, जब मैं बॉट के पास जाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा हेलो। अब इसी तरह से आप किसी भी यूज़र से बात कर सकते हैं। ये इस बॉट का बहुत ही शानदार फीचर है। और ये बात कि ये जो बॉट है वो फ्री है, आपको इसमें किसी भी होस्टिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है, और आप अपने इसी बॉट को किसी और बॉट के ऊपर भी सेटअप कर सकते हैं। जैसा कि आपका कोई फाइल टू लिंक बॉट चल रहा है या फिर आपका कोई फीडबैक बॉट पहले से कोई चल रहा है, तो उसी बॉट के अंदर आप इस बॉट को रन कर सकते हैं और आपके दोनों बॉट साइमल्टेनियसली रन करते रहेंगे बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब करे। ये इस बॉट का बहुत ही शानदार फीचर है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये बॉट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी दूसरी आईडी पे चला जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे दूसरी आईडी पे आ चुका हूँ। ये मैंने यहाँ पे एक पहले से एक टेस्ट बॉट बनाया हुआ है, जो कि अभी वर्किंग कंडीशंस में नहीं है। अब मैं आपको क्या करूँगा, इस बॉट को बनाऊंगा मेरे बॉट की तरह। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है टेलीग्राम पे लाइवग्राम बॉट, और यहाँ पे आपके टॉप सर्च पे जो आएगा लाइवग्राम बॉट, आपको इसे स्टार्ट करना है। इसे स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड बॉट पे क्लिक करना है, और अब आपको क्या करना होगा, आपको अपने बॉट फादर पे जाना है और जो आपका टेस्ट बॉट है, जहाँ पे आपका एपीआई टोकन है, उसे इस बॉट को फॉरवर्ड करना है, या फिर आप अपना सीधे एपीआई टोकन भी इसे सेंड कर सकते हैं, तो भी ये आपके बॉट को कनेक्ट कर देगा। तो हमारा जो बॉट है यहाँ पे देखो सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुका है। अब आपको यहाँ पे बॉट की सेटिंग्स में जाना है। अब सबसे पहले आपको वेलकम मैसेज सेट करना है इसके अंदर। तो आप यहाँ पे लोकलाइजेशन में जाएंगे और आपको जो लैंग्वेज है वो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश ही चूज करें। आप चाहे तो मल्टीपल लैंग्वेज इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसमें अवेलेबल हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश का यूज़ करता हूँ तो इंग्लिश ही मैं यहाँ पे रखूँगा। अब आपको यहाँ पे एडिट मैसेज पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे कोई भी वेलकम मैसेज आप सेट कर सकते हैं। आप डिफॉल्ट देख सकते हैं, डिफॉल्ट इसमें बस ये सेट है, हेलो यू कैन कॉन्टैक्ट अस यूजिंग दिस बॉट। मैं अभी आपको इसको दिखा देता हूँ कि ये जो बॉट है वो कैसा आपको वेलकम मैसेज देगा। ग्रेमेटस टेस्ट बॉट मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, तो यहाँ पे आ गया। मैं इसे स्टार्ट करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरे को कुछ इस तरह का मैसेज देगा। ठीक है, ये काफ़ी बेकार लगता है लुक वाइज मेरे बॉट के कंपैरिजन में, तो मैं बनाऊँगा अपने के जैसा ही। अपने के जैसा कैसे बनाना, बस आपको यहाँ पे कुछ भी टाइप करना है, हेलो हेलो टाइप किया, और इसे थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसके अंदर बोल्ड करेक्टर्स का यूज़ करें, स्ट्राइक का यूज़ करें, हेलो आई एम ओनर ऑफ ग्रेमेटस बॉट। आप अपने बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और अपने टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स यूज करके। आप स्टिकर्स भी यूज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे स्टिकर के लिए अपना ये लगा देता हूँ। ठीक है, मैसेज मी ओनली फॉर पेड वर्क। अब
और अब आपको ये मैसेज इसे सेंड कर देना है। आप इसके अंदर कोई लिंक वगैरह भी सेट करना चाहते हैं तो लिंक भी सेट कर सकते हैं। सेव हो गया, अब यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका जो वेलकम मैसेज है वो सेट हो चुका है। अब मैं दोबारा एक बार इसके अंदर स्टार्ट कमांड देता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो वेलकम मैसेज है वो चेंज हो चुका है। अब ये क्या है, क्योंकि हम लाइवग्राम बॉट है जो कि टोटली फ्री है, तो इसके अंदर कभी कभार ये थोड़ी बहुत एड्स आपको देगा। आप चाहें तो इन एड्स को रिमूव भी कर सकते हैं इस लाइवग्राम बॉट का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेकर। किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ आप कहाँ से ले सकते हैं। आपको यहाँ पे जाना है डिसेनेबल एड्स एंड कॉपीराइट के ऊपर, तब आप इनके सब्सक्रिप्शन को बाय कर सकते हैं। एक मंथ में, एक मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है तो उसके प्राइस है $4, और आप यहाँ पे बाकी मंथ्स के भी प्राइसेस देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो मेरे को सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, मैं यहाँ पे इस बॉट को टोटली फ्री यूज़ करूँगा। एड्स थोड़ी बहुत आती है तो मेरे को उसमें कोई इशू नहीं है। अब आज के बाद आते हैं, आप इसी बॉट को ग्रुप्स के अंदर भी कनेक्ट कर सकते हैं। बस अब आपने बॉट को ग्रुप के अंदर जाना और इसे ऐड कर देना है उस ग्रुप के अंदर, तो आपका जो बॉट होगा वो ग्रुप में भी काम करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन मैं इसे ग्रुप में नहीं कर रहा। अब स्टेटिस्टिक्स में आ जाकर आप अपने बॉट के स्टेटिस्टिक्स दे सकते हैं, लेकिन अभी ये जो स्टेटिस्टिक्स वाला कमांड है वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, कुछ टाइम से मैंने देखा है, लेकिन ये बाद में काम करने लगेगा। अब आपको मैं ब्रॉडकास्ट वाला बता देता हूँ। ये ब्रॉडकास्ट वाली कमांड क्या है कि आप एक ही मैसेज अपने इस बॉट के सारे यूजर्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं, जितने भी यूजर्स ने आपके बॉट को स्टार्ट करा है। मैं एक बार आपको अपना मेन बॉट दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने मेन बॉट में जो मेरा कनेक्टेड है। अब मैं इसके ब्रॉडकास्ट पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे को रीडायरेक्ट करेगा मेरे बॉट पे। मैं यहाँ पे स्टार्ट कमांड दबाऊंगा। अब आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि आपको कौन से लैंग्वेजेस पे यूजर्स पे इस बॉट को, इस ब्रॉडकास्ट को सेंड करना है। तो मैं यहाँ पे ऑल लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर लूंगा। अब इसके बाद आप अपना कोई भी मैसेज जो आप भेजना चाहते हैं वो भेज सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मैं अपने यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ पे डाल दूंगा, मेरे YouTube चैनल का लिंक ये रहा, और मैं इसे टाइटल को कर दूंगा बोल्ड और इसे सेंड कर दूंगा। अब आपको यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं, प्रीव्यू से क्या आपका मैसेज किस तरह से दिखेगा। प्रीव्यू हो चुका है तो अब आपको डन पे क्लिक कर देना है। अब आपको सेंड पे क्लिक कर देना है। आपका जो मैसेज है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे इस बॉट को 343 यूजर्स ने इस बॉट को स्टार्ट किया है, और हमारा जो मैसेज है अब उन सारे यूजर्स के पास फॉरवर्ड हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे कुछ ही देर का वेट करना होगा। अब देखो मेरे को मेरा ब्रॉडकास्ट कंप्लीट हो चुका है। मेरे को यहाँ पे लास्ट में मैसेज आ चुका है सेंडिंग ऑफ द ब्रॉडकास्ट पोस्ट इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, और यहाँ पे इसने मेरे को पूरा डाटा भी दे दिया है कि सारे यूजर्स को ब्रॉडकास्ट कर दिया है, बस 16 यूजर्स को ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ है क्योंकि उन यूजर्स ने मेरे बॉट को ब्लॉक कर दिया है। तो मैं आपको अपनी दूसरी आईडी पे दिखाऊंगा। तो मेरे बॉट से देखो मेरे को यहाँ पे ब्रॉडकास्ट यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से ये बॉट वर्क करता है, वो भी फ्री में टोटली। हमारी आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस बॉट का एक और फीचर, जो यूज़र्स मेरी इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं उनका बहुत बहुत ही शुक्रिया। मैं आपको एक इसका हिडन फीचर बताने जा रहा हूँ कि आप इसके अंदर किसी यूज़र को कैसे बैन अनबैन कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई यूज़र आपके बॉट पे स्कैम कर रहा है, ये आप बार बार मैसेज करे जा रहा है, तो वो आपको डिस्टर्ब कर देगा, आप और लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे और सिर्फ आपके मैसेज ही यूज़र को, मतलब यूज़र के मैसेज सिर्फ उसको आते रहेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो मेरे को यहाँ पे स्कैम कर रहा है बंदा, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको यहाँ पे ये वाले कमांड यूज़ करूँगा, स्लैश करके आपको यहाँ टाइप करना है बैन। तो ये जो यूज़र है वो बैन हो जाएगा, बैन फॉर एवर। अब ये यूज़र पे आप कोई मैसेज, यूज़र आपको कोई मैसेज करेगा तो ये कहेगा कि भाई तू बैन हो चुका है, और यूज़र का मैसेज आपको नहीं आएगा। अब मान लो आपको किसी यूज़र को अनबैन करना है तो उसके लिए स्लैश अनबैन कमांड होती है, और यूज़र यहाँ पे अनबैन हो जाएगा। अब वो कोई मैसेज करेगा तो यहाँ पे डिलीवर हो जाएगा आपको। ये देखो मेरे को फिर से मेरा मैसेज आ चुका है, और मैं इसका अब यहाँ पे रिप्लाई भी कर सकता हूँ। तो ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है।